अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू जायका एवरीडे। जायका एवरीडे आज आपके लिए लाया है बहुत ही डिलीशियस एक समोसा रिंग्स। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 3 उबले हुए अंडे, 1 कटी हुई प्याज, हरा धनिया और 2 कटी हुई हरी मिर्च। इसकी हम स्टफिंग तैयार करेंगे। अंडों को हम कट कर लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। हमने यहाँ अंडों के छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कटी हुई प्याज जो हमने बारीक बारीक काट ली थी। और इसके साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरी मिर्च और हरा धनिया। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून खटाई। अब हम इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ स्टफिंग तैयार कर रहे हैं एक समोसा रिंग्स बनाने के लिए। इसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। यहाँ हम ले रहे हैं 1 कटोरी मैदा। इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून नमक। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून घी। अब हम इसे अच्छी तरह से मैदा में मिक्स करेंगे। हमें घी को इस तरह मिक्स करना है मैदा में कि ये हमारी मैदा में अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए। ये देखिए इस तरह से। थोड़ा सा पानी डालते हुए अब हम इसका डो तैयार करेंगे और इसे गूंदना शुरू कर देंगे। मैदा को गूंदते टाइम हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैदा को हमें सॉफ्ट ही गूंदना है और इसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है। हमारी मैदा गूंद गई है और अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 10 मिनट बाद हमारी मैदा इस तरह हो जाएगी। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। लोइया तैयार करनी है। अब हम इसकी शीट तैयार करेंगे एक समोसा रिंग्स के लिए। इसको हम यहाँ पर बेल रहे हैं और हमें इसे इतना बेलना है कि इसकी जो शीट है वो ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, एकदम मीडियम होनी चाहिए।
स्टेप में कोई भी बॉक्स लेंगे और इसको कट करना शुरू कर देंगे। इस तरह से एक कट लगाते हुए हम इसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे हटा देंगे। अब हम इसमें एक ही साइज की छोटी छोटी कट लगाएंगे। और हमने जो स्टफिंग तैयार की है अब हम इसमें उसे फिल करेंगे। थोड़ा सा हमने इस कट पर पानी लगाया है और अब हम इसको फोल्ड करना शुरू कर देंगे। इस तरह से इसे धीरे धीरे फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए अब हम इसका एक रिंग बना लेंगे। और इसके जो साइड्स हैं उसे हल्का सा पानी लगाते हुए ज्वाइन कर देंगे। पानी हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और ये जब हम इसे तो ये खुलेगी नहीं। ये देखिए कितना अच्छी तरह से परफेक्टली हमारा एक समोसा रिंग्स रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें ये रिंग्स तैयार करने हैं। यहाँ हमने एक समोसा रिंग्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमारा रिफाइंड यहाँ गर्म हो गया है। अब हम इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। इसको हम चम्मच से चलाएंगे और जब हम देखेंगे कि इसका कलर जो है वो गोल्डन हो रहा है तब हम इसको पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सिक जाए। हमारे एक समोसा रिंग्स बहुत अच्छी तरह से सिक चुके हैं और बहुत ही अच्छा कलर भी आया है इसका, एकदम गोल्डन कलर है। रेडी हैं हमारे टेस्टी एक समोसा रिंग्स। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल जायका एवरीडे पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।